नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पवित्र दर्शन विंध यूट्यूब चैनल में। मैं आज आया हूँ वाराणसी, और वाराणसी में मैं आज घाटों का दर्शन करने स्नान के बाद निकल चुका हूँ। तो मणिकर्णिका घाट होते हुए मैं आज आ पहुँचा हूँ वाराणसी के राजा हरिश्चंद्र घाट। दोस्तों, आपको बताते चलें कि राजा हरिश्चंद्र घाट दानी हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर लकड़ी और मशीनों के द्वारा शवदाह का कार्य किया जाता है। तो दोस्तों, इसी घाट में विराजमान हैं बाबा मसान जी। तो आप सबसे पहले दर्शन करिए बाबा मसान जी का। आप देख सकते हैं, ये हैं मसान काली और भैरवनाथ मंदिर। दोस्तों, आपको बताते चलें कि राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को सब कुछ दान करने के बाद जब दक्षिणा करने की बारी आई, तब उनके पास कुछ न था। तब उन्होंने स्वयं को और अपनी पत्नी को बेचने का निश्चय किया, और तत्कालीन काशी में उन्होंने डोम राजा के यहाँ खुद को बेच दिया, और डोम राजा ने उन्हें शमशान में कर वसूलने का कार्य सौंप दिया, और उनकी पत्नी तारा देवी उसी के यहाँ घरेलू कार्य करने लगी। एक बार राजा हरिश्चंद्र का बेटा रोहिताश्व सर्पदंश की घटना के कारण मृत्यु को प्राप्त कर गया, और उनकी पत्नी तारा देवी अपने पुत्र को हाथ में ले लिए हुए और शमशान पहुंची, और शमशान में राजा हरिश्चंद्र ने उनसे टैक्स की मांग की, कर की मांग की। उनके पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं था। तब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तारा से कहा कि कर के रूप में तुम अपने साड़ी का एक टुकड़ा दे दो तो हमें कर मिल जाएगा। तो इस तरह के कर्तव्यनिष्ठ राजा हरिश्चंद्र के घाट पे मैं पहुंच चुका हूं। ये है हरिश्चंद्र घाट, और मैं अब आगे चल के दिखाऊंगा जहां पर होता है शवदाह। तो दोस्तों, यहां पर होता है शवदाह, आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि वाराणसी का हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट शवदाह के लिए जाने जाते हैं। आप देख सकते हैं, ये हरिश्चंद्र घाट, वहाँ पर रखी गई हैं लकड़ियाँ। लकड़ियों का भुगतान करना होता है यहाँ पर, और पूरा शवदाह यहाँ के डोम राजाओं द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। शमशान घाट में पहुंचने पर एक अलग तरह की अनुभूति होती है। जीवन के वास्तविक यथार्थ का पता हमें तभी चलता है जब हम किसी शमशान घाट में पहुंचते हैं। तब हमें जीवन की सारी सच्चाई की अनुभूति होती है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये जल रही चिताएं
जरूरी नहीं कि किसी सामान्य व्यक्ति की ही हो, वो हमसे और आपसे पद में, प्रतिष्ठा में, ज्ञान में और कौशल में भले ही बड़े रहे हों, लेकिन आप देख सकते हैं कि तीनों चिताएं लगभग समान समानांतर में जल रही हैं। चार चिताएं हैं, चारों बराबर में जल रही हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं है, आप देख सकते हैं। तो सार यह है कि हमें अपने जीवन में कभी भी दंभ नहीं पालना चाहिए, हमें अपने जीवन में यथार्थ को सम्मुख रखकर ही किसी कार्य को करना चाहिए, भ्रम में नहीं जीना चाहिए। तो दोस्तों, क्या है आपका ख्याल इस संबंध में, कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। इसी घाट पर एक विशाल शिवलिंग है, आप दर्शन कर सकते हैं हरिश्चंद्र घाट में। और यहाँ पर हैं काल भैरव जी, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। कैसा लगा आज का यह वीडियो, कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल पवित्र दर्शन बिंदी को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब।